गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं खुद को फ्रेश अप करने के लिए आ गई हूँ बालकनी। साथ में कर रही हूँ ब्रश, क्योंकि आज बहुत नींद लग रही है। तो मैं आ गई थी बालकनी में क्योंकि थोड़ा सा वॉक भी सिबाने हो जाएगा, ब्रश भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ये आप बाहर की खूबसूरती देख रहे हो ना, ये हरे भरे पेड़ पौधे, अगर सुबह में दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो ना इन पेड़ पौधों के सामने, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ओके, तो जी मैं आ गई थी किचन क्योंकि अभी बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता और साथ ही साथ उनके लंच की भी तैयारी करनी है। लेकिन सच बोलूँ ना, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना इससे पहले वाले वीडियो में कि घर में हमारे फैमिली मेंबर किन्हीं की डेथ हो गई है। तो जब ऐसा होता है ना तो 10 दिन वाला काम चलता है जिसे शुद्ध का बोलते हैं, तो उस बीच आप एकदम सादा सिंपल खाना आपको बनाना पड़ता है बिना लहसुन प्याज सरसों तेल हल्दी ये सब के बिना। तो सच में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बच्चों को देना है लंच में, तो क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ ताकि बच्चे खाएं, क्योंकि ना बच्चे बिल्कुल खाना छू भी नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें खिलाना पड़ रहा है। तो मैंने थोड़े से चने भिंगो दिए थे कि आलू चने की सब्ज़ी कर देती हूँ, तो बस वही उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने क्या किया है ना, जब तेल गर्म हो गया, रिफाइंड तेल मैंने यूज़ किया है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्चा और तेज़पत्ता ऐड किया है, एंड उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें मैंने ना जो पाउडर मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो गई, मिर्चा पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, इन सारे को ना एक कटोरे में पानी से मिक्स कर दिया था ताकि ग्रेवी थोड़ी सी मोटी हो, एंड उसे मैंने पहले डाल दिया, उसे फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर पतले छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखे, तो उसे मैंने डाल दिया है। उन सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर जो आलू बॉईल करके मैंने रखा था कट करके, उसे डाल दिया है। उसे पहले अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, और जब ये फ्राई हो जाएगा ना, देन इसमें हम ऐड करेंगे चने जो मैंने थोड़े से बॉईल करके रखे हुए हैं। तो मसाले के साथ आलू चने मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और अब इसमें डालते हैं 1 गिलास पानी ताकि ग्रेवी ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, मतलब मीडियम रहे ताकि सब्जी अच्छे से खिला जाए। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि ग्रेवी अगर ज़्यादा मैं छोड़ रही हूँ ना तो एकदम पतली ग्रेवी हो रही है, उसके बाद खाने में सब्जी बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ग्रेवी एकदम ना हल्की सी रख रही हूँ ताकि रोटी भात किसी के साथ भी आराम से सब्जी खिला जाए। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से ना थोड़ा सा सब्जी का कलर भी आ रहा है, नहीं तो सब्जी बिल्कुल वाइट नज़र आ रही थी। और बच्चों का क्या है ना कि खाने से पहले ना वो खासकर सब्जी का कलर देखते हैं कि कैसा कलर है, उसके बाद ही वो अपना दिमाग चलाते हैं कि खाना है कि नहीं खाना। मेरे बच्चों का तो खासकर है कि सब्जी का कलर पहले देखते हैं कि कलर कैसा है, और सब्जी बिल्कुल वाइट वाइट रह रही थी ना, तो बिल्कुल वो छू ही नहीं रहते। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करना स्टार्ट किया, तो अब थोड़ा सा सब्जी का कलर ना थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, नहीं तो सच में सब्जी बिल्कुल वाइट नज़र आ रही थी। तो सब्जी बनकर रेडी है, और अभी मुझे बनाने हैं गर्म गर्म पराठे। तो मैंने पहले सोचा ना कि प्लेन सिंपल पराठे बना देती हूँ, लेकिन फिर बच्चों को लंच भी लेके जाना है, तो उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा सत्तू रेडी किया। और सत्तू में ना अगर आप सरसों तेल नहीं डालोगे ना तो फिर जो सत्तू के पराठे हैं ना मज़ा नहीं आते, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने उसमें ना घी यूज किया है। सत्तू में घी मैंने डाला है, और हरी मिर्ची और धनिया पत्ता ये सब मैंने डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया, देन उसके बाद उसके गर्मा गर्म पराठे बना दिए। तो चलिए, बच्चे भी निकल गए थे और अब टाइम था घर की साफ सफाई का। बच्चों के रूम से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि ये जो बेडशीट आप देख रहे हो ना बेड पे बिछी हुई है, ये थोड़ी गंदी हो गई है। वैसे भी वाइट कलर की बेडशीट ना थोड़ी जल्दी ही गंदी हो जाती है, खासकर अगर घर में बच्चे हो तो ये बेडशीट थोड़ी गंदी हो गई, तो अभी मुझे इसे हटाना है और इसकी जगह दूसरी बेडशीट लगानी है। तो सबसे पहले तो इसे निकालते हैं और इसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं। जब घर का पूरा सारा काम हो जाएगा ना, देन उसके बाद फिर मैं यहाँ दूसरी वाली बेडशीट लगाने वाली हूँ। सुबह सुबह ना पूरे घर में आपको थोड़े थोड़े कपड़े फैले हुए नज़र आएंगे, तो एक बार सुबह ना पूरे घर में राउंड मारना होता है कि कहाँ कौन से कपड़े फैले हुए हैं, फिर सबको एक जगह जमा करना होता है। धुलने वाले कपड़े अलग रखना पड़ता है, जो साफ़ कपड़े हैं ना उसे फिर फोल्ड करके अलग रखना पड़ता है।
तो जो धोने वाले कपड़े तो उनको मैंने जमा करके मशीन में लगा दिया है, और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये साफ़ वाले कपड़े हैं, तो इसे मुझे फोल्ड करके इसकी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना है। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो ना, ये एक्चुअली संबलपुरी साड़ी है जो मैं उड़ीसा से लेकर आई थी, और ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो कॉटन की है, प्योर कॉटन, और पहनने में ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब इसे ना आराम से पूरे दिन पहन के मैं कैरी कर सकती हूँ, काम उम सारे सब कुछ आराम से कर सकती हूँ, इतनी अच्छी ये साड़ी है। कोई कोई साड़ी ना बहुत अच्छी निकल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद ना मैं फिर बाकी पूरे घर में लग गई थी, किचन को साफ मैंने नहीं किया था। तो सबसे पहले तो जो ये सिंक वाला एरिया है, इसे क्लीन करते हैं, खासकर इन बर्तनों को। बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे, कुछ बर्तन मैंने धोकर साइड कर लिया है जो आप देख सकते हो, और कुछ बर्तन अभी भी सिंक में है। तो सबसे पहले तो इन बर्तनों को साफ़ करके साइड में रखती हूँ, क्योंकि इन बर्तनों की वजह से भी ना किचन थोड़ा ज़्यादा ही मेसी लग रहा है, और वैसे भी सुबह सुबह ना किचन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती है, खासकर मॉर्निंग के समय में, क्योंकि एक ही समय में ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और वो भी टाइम एकदम कम, मतलब लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो उस चक्कर में ना किचन सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जितनी जल्दी किचन को क्लीन कर लो ना, उतना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि किचन ही एक ऐसा हिस्सा है ना पूरे घर का जहाँ हम दिन भर बिजी रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम लगा ही हुआ है। वो नाश्ता खाना तो चल ही रहा है हमारा दिन भर, बट उसके अलावा भी कुछ ना कुछ काम किचन में लगा हुआ है। एक काम करने के लिए हम किचन में आते हैं, लेकिन देखते देखते ना तीन चार काम मतलब आंखों के सामने आ ही जाते हैं, उसके बाद उसे आप कैसे इग्नोर करोगे। तो इसीलिए ना किचन हमेशा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने बर्तन थे उन सभी को मैंने क्लीन कर दिया है, और जो सिंक वाला हिस्सा है उसकी भी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, और अब बचा हुआ था ये काउंटर टॉप, और साथ ही साथ जो ये गैस टॉप हमारा है वो क्लीन करना था, तो इसे भी फटाफट पोंछ लेते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से किचन एकदम क्लीन हो जाना है, और अभी फ़िलहाल किचन में कोई काम नहीं है, पहले घर की क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद फिर वापस किचन में आने वाली हूँ खाना बनाने। तब तक किचन ना बहुत अच्छे से सूख उख जाएगा और एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आज धूप भी बड़ी अच्छी निकली है, मतलब ऐसा भी हो रहा था ना तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो अभी धूप भी बहुत अच्छी आ रखी है, तो किचन एकदम अच्छे से ड्राई हो जाना है। और अब चलिए करते हैं पूरे घर में झाड़ू। सच में एक बार झाड़ू उठाने से पहले ना सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जब पूरे घर को देखती हूँ ना तो देखते ही थकावट सी लगने लगती है कि अभी कहाँ से शुरू करूँगी और पता नहीं ये कब खत्म होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा एरिया आँखों के सामने होना तो थोड़ा सा लगता है कि झाड़ू पोछे में भी पता नहीं कितना टाइम चले जाना है। और सच में झाड़ू पोछा में ही टाइम जाता है, अगर ये हो जाए ना तो फिर तो जैसे लगता है कुछ काम ही नहीं है। तो फटाफट चलिए झाड़ू करते हैं पूरे घर में। और ये स्लाइडिंग विंडो ना मैं थोड़ा सा ओपन कर दे रही हूँ, क्योंकि उधर कॉर्नर में मैंने ना स्नेक प्लांट रखे हैं, तो थोड़ा बहुत भी धूप अगर आ जाता है ना स्नेक प्लांट में तो फिर वो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो सुबह सुबह ना जहाँ जहाँ मैंने प्लांट रखे हैं ना घर में, और अगर उसके सामने विंडो है ना, तो थोड़ा सा मैं ओपन कर देती हूँ कि ताकि थोड़ा सा बाहर का धूप हवा प्लांट पे पड़े और प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे। वैसे तो बीच बीच में इंडोर प्लांट्स मैं निकालती हूँ बाहर धूप में, बट अगर ऐसे घर के अंदर धूप आ रहा है ना, कोई वैसा हिस्सा है जहाँ आपने प्लांट रखे हों, तो वो अच्छा होता है प्लांट के लिए। और पलंग के नीचे से ना बहुत ज़्यादा गंदा निकल रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में ना फर्नीचर को इधर उधर करते रहती हूँ ताकि प्रॉपर हर एक कोना घर का क्लीन रहे। मैंने बहुत टाइम से ना इस वाले बेड को इधर उधर नहीं किया है, जिसकी वजह से ना आप देख सकते हो बेड के नीचे से कितना ज़्यादा गंदा निकला। और ये ना मतलब थोड़ा सा क्या बोलूँगी, रुआ टाइप का होता है, डस्ट भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा जैसे आप देख सकते हो वो जो ना एक जगह जम गया है, रुई जैसे कैसे जम जाती है उस टाइप का रहता है, पता नहीं क्या रहता है। तो ये सारा जो भी निकला है ना, ये पलंग के नीचे से ही निकला है, इसीलिए ना बीच बीच में सच में जितने भी घर में फर्नीचर है ना, थोड़ा सा इधर उधर करो और उसके पीछे उसके नीचे प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन करो, ताकि घर का हर एक कोना एकदम साफ़ सुथरा रहे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है ना कि दी आपका घर इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा, आप इतना क्लीन रखते कैसे हो, तो सच बोलूँ ना तो इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। और फिर आप लोग बोलते भी हो ना कि दी आप थकते नहीं हो क्या इतना ज़्यादा क्लीन, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा घर को करके, तो बहुत ज़्यादा थकावट लगती है कभी कभी, तो सच में हालत इतनी ख़राब होती है ना कि लगता है कि बस छोड़ दूँ,
हो गया, अब नहीं होगा। बट ना उसके बाद फिर ना मेरा ही रहना मुश्किल हो जाता है, घर जब पूरा बिखरा हुआ हो, सब तरफ गंदे फैले हों, तो सच में उस समय ना घर में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत अगर ख़राब हो रहा, शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है, तो घर के काम नहीं हो पाते हैं। उस समय ना जो घर की हालत रहती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। एक तरीके से आप बोलोगे ना कि मैं सेल्फिश भी हो गई हूँ, कि मुझे मतलब जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, मैं उस हिसाब से अपने घर को क्लीन साफ़ सुथरा करके रखूं ताकि मैं सुकून से रह सकूं। जी हाँ, एक तरीके से आप बोलिएगा ना, तो मैं ये खुद के लिए भी कर रही हूँ कि मुझे अब ऐसी आदत हो गई है कि सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहे, ताकि सुकून और शांति और जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो घर में बरकरार रहे। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो ना कि मैं खुद की खुशी के लिए ये सब करती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे खुशी ही देती है, हैप्पीनेस ही देती है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तब जाकर घर इतना क्लीन रहता है। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू कर लिया था, अभी बस मुझे पोछा करना है। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा मुझे प्लांट के साथ भी लगना था, क्योंकि इन प्लांट्स की जो मिट्टी है ना बिल्कुल टाइट सी हो गई थी, उसमें मुझे थोड़ा सा कूड़ा करना था ताकि वो ढीली हो सके और पौधे के जो जड़ है ना उन्हें थोड़ा स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए। इसलिए बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा टाइम प्लांट्स के साथ स्पेंड करती हूँ, थोड़ी सी उनकी केयर कर लेती हूँ, जो उनके ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।